चाहिए उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो में आपको। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों आज मैं फ्रेंड व्हील बनाने का बहुत ही आसान तरीका लाया हूं, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अच्छी तरह से समझिएगा। दोस्तों हम सबसे पहले हार्डबोर्ड के 3 पीस को एक के ऊपर एक लगा देंगे और इसके लिए हम फेविकॉल का यूज़ करेंगे। लास्ट पीस को भी हम लगा देंगे। दोस्तों हमारे व्हील के बीच में बहुत बड़ी जगह है, तो इसके बीच में मैं पेन फिक्स कर रहा हूँ और इसे लगाने के लिए मैंने ग्लू गन का यूज़ किया है। दोस्तों अब हम एक तार का टुकड़ा लेंगे और इसे प्लायर की मदद से जिस तरह से मैं मोड़ रहा हूँ उसी तरह से आप मोड़िएगा। 90 डिग्री के एंगल पर सबसे पहले मोड़ेंगे हम और हम इसके ऊपर हम टायर लगा देंगे। दोस्तों ऊपर से एक और पैन का पीस लगा दे रहा हूँ जो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब हम दूसरी साइड से इस तार को मोड़ देंगे ताकि हमारा टायर निकल ना जाए। दोस्तों अब हम इस ऊपर जो तार निकल रहा है उसे हम पीछे की साइड मोड़ लेंगे। दोस्तों याद ध्यान रहे कि दूसरे टायर में हम इसे आगे की ओर मोड़ेंगे। दोस्तों ये हमारा एक व्हील तैयार हो चुका है और दूसरा व्हील भी मैंने तैयार करके रखा है। दोस्तों अब हम हमारे हार्डबोर्ड के पीस को लेंगे और उसके ऊपर हम टायर के इस वाले हिस्से को लगा देंगे। इसको लगाने के लिए मैं ग्लू गन का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो फेविकिक का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि जब तक ये सूख ना जाए इसे अच्छी तरह से पकड़ के रखिएगा वरना ये टेढ़ा मेढ़ा चिपक जाएगा, फिर आपकी कार भी टेढ़ी मेढ़ी चलेगी। अब मैं दूसरी साइड लगा दे रहा हूँ। दोस्तों अब इसे अच्छी तरह से सूखने के लिए रख देते हैं। दोस्तों मैं चाहता तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकता था बट आपको अच्छी तरह से समझ आए इसलिए मैंने नहीं किया है। दोस्तों मैंने जिप टाई के एक पीस के ऊपर दोनों ओर स्क्रू लगा दिए हैं। दोस्तों मैंने इस तरह से जिप टाई का यूज़ करके बहुत अच्छी तरह से इसे फिक्स कर लिया है। दूसरी साइड भी हम इसे फिक्स कर लेंगे। आप सिर्फ ग्लू गन का यूज़ करेंगे तो वो निकल सकता है बट जिप टाई का यूज़ करने से ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सबसे पहले हम एक साइड के स्क्रू को फिक्स कर लेंगे। दोस्तों मैंने स्क्रू को फिक्स कर लिया है, अब हम सूखे हुए ग्लू को निकाल देते हैं। अब हम वापस थोड़ी ग्लू गन के ग्लू का यूज़ करेंगे। दोस्तों ध्यान रहे कि हम जिप टाई को पहले ही मोड़ देंगे वरना बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ इस तरह से हमें जिप टाई को मोड़ देना है। टायर लगाते टाइम ही हमें अच्छी तरह से जिप टाई को सेट कर लेना है। दोस्तों अब हम जिप टाई को खींच कर हम स्क्रू लगा देंगे ताकि अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। दोस्तों अब हम स्क्रू फिक्स कर लेंगे। दोस्तों मैंने दोनों की ओर अच्छी तरह से लगा दिया है, आप भी इस तरह से लगा दीजिएगा।
दोस्तों मैंने अब तार को कुछ इस तरह से मोड़ दिया है। मुझे तो ये मैगी जैसा लग रहा है, पर आप अच्छी तरह से देख के समझ सकते हैं कि ये मैंने किस तरह से बनाया। अब हम इसे हमारे फ्रंट एक्सल में पेस्ट कर देंगे। दोस्तों आप थोड़ा गला खराब है तो और इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो प्लीज़ इसके लिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों मैंने इसे फिट कर लिया है। अब हम जो ये बीच में लूप बना है, हम इसे आगे की साइड मोड़ देंगे। अभी दोस्तों इसे निकाल देते हैं, वरना हमारे फ्रंट एक्सल को नुकसान हो सकता है। आप चाहे तो दो प्लायर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने एक ही प्लायर का यूज़ किया। दोस्तों मुझसे ये पहले उल्टा लग गया था, बट अब हम इसे सीधा लगा देंगे कुछ इस तरह से। दोस्तों मैंने गियर मोटर के ऊपर एक छोटा सा मैकेनिज्म बना लिया है। मैंने वायर के से रेक्टेंगल पीस कट करके इसके एक साइड नट बोल्ट फिक्स कर दिया और एक साइड पर मोटर फिक्स कर दिया है। दोस्तों ये नट बोल्ट जो मैंने फिक्स किया है, वो इस तार के बीच में आना चाहिए। हमने जो बीच में लूप बनाया है उसके बीच में ही आना चाहिए। हम मोटर को अच्छी तरह से ग्लू गन से लगा देंगे। दोस्तों ग्लू गन का यूज करने में कंजूसी मत कीजिएगा, वरना ये मोटर निकल जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी फ्रंट एक्सल तैयार है। तो इसे पेस्ट करने के लिए मैं एक डब्बा ले रहा हूँ और इस डब्बे के ऊपर मैं इसे रख देता हूँ। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। और दोस्तों मैं इसे कंट्रोल करने के लिए रिमोट का यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद पक्की रिमोट वाली ही वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ रिमोट का वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। आप चाहे तो आप भी इसे बना सकते हैं, और ये फ्रंट व्हील बनाने का सबसे आसान तरीका है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करता हूँ। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सजेशन के लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे